सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं, केवल ज्ञान ही। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। आज का पंचांग 22 फरवरी 2020 दिन शनिवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम 7:03 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 11:19 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:23 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:52 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 12:29 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। तुला राशि 22 फरवरी 2020 दिन शनिवार, अपने स्वास्थ्य के साथ जुआ ना खेलें। यदि आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं तो इस पर विचार करें। कार्यस्थल पर आपकी बुद्धि और नए विचार आपको प्रतियोगिता से अलग करते हैं। अपने बच्चों और प्रियजनों के लिए समय निकालें। परिवार के साथ विवादों को सुलझाने के लिए रचनात्मक तरीकों की तलाश करें। आज भौतिक सुखों की तुलना में भावुक लोग आपको अधिक खुशियां देंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे जाने दीजिए। अगर वो लौट आएगा तो आपका है, अगर लौट कर नहीं आता तो वो आपका कभी था ही नहीं। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। आपके अंदर ज्ञान की प्रतिभा आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। आप अपने बात के पक्के रहेंगे और एक अनुशासित व्यक्ति बन सकते हैं, जिनकी वजह से अपने विचारों को आसानी से नहीं बदलेंगे। आज के दिन सामाजिक, पारिवारिक और निजी मामलों में मेल मुलाकात का है। कुछ लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए कुछ सुनहरे अवसर पैदा कर सकती है। आपको महत्वपूर्ण लोगों के लिए समय निकालना पड़ेगा या आपके रिश्तों के लिए आवश्यक है। किसी मामले में आपको सकारात्मक जवाब मिल सकता है। वाहन चलाते समय या प्ले ग्राउंड पर आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ सकती है। सावधानियाँ, बड़े भाई बहनों को लेकर कोई समस्याएं सामने आ सकती है, लेकिन आपसी बातचीत से उसका हल भी निकल सकता है। हालांकि आपकी इस खुशी को किसी की नज़र लग सकती है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप परिवार में समस्या पैदा करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। लव लाइफ की बात करें तो अचानक टूटा हुआ संबंध आपके जीवन में खटास भर सकता है, लेकिन इन बातों को गंभीरता से ना लें, जीवन में आगे बढ़ें। जीवन बदलाव का दूसरा नाम है। इस बदलाव से रिश्ते भी अछूत नहीं है। जिस तरह जिंदगी पल पल रंग बदलती है, ठीक उसी तरह इंसानी रिश्ते भी समय के साथ बनते बदलते हैं। आज के दिन उत्तेजक और रोमांटिक है। भावनात्मक सुख आपकी प्राथमिकता रहेगी और यह उन चीजों का मजा लेने का समय है जो आपके पास है। वैवाहिक सुख का भी योग बन रहा है, इसीलिए अपने दिल की बात का इजहार कर दें। हो सकता है कि फूलों का एक गुच्छा आज आपका दिन बना दे। करियर की बात करें तो व्यापार और नौकरी दोनों में लेन देन संबंधी गड़बड़ी से आपको हानि होगी। आपकी रचनात्मकता और कूटनीतिज्ञ के गुण आपको तारीफ के पात्र बना देंगे। संघर्ष और कल्पना भरे इस दौर का मजा ले, क्योंकि इससे भी आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। आज प्यार हवाओं में है। आपके सहकर्मी मित्र और अधिकारी आपको अन्य किसी भी चीज से अधिक खुश करेंगे।
अगर आप सिंगल है तो अब समय है किसी खास से मिलने का, क्योंकि अभी आपकी दिलचस्पी प्यार लेने और देने में अधिक है। मेहनत करें और उनके बाद जीवन को उसकी लंबाई से नहीं बल्कि खुशियों से नापें। सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, पर आप लगातार अपना कार्य करते रहेंगे, वो भी बिना थके। अस्वास्थ्य के बावजूद आपकी लगन तारीफ के लायक है। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। कुछ आराम अवश्य करें, अन्यथा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। आज का उपाय, आज आप किसी गरीब को काले रंग का कपड़ा दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।